सचिन, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। फोन भी दो पापा, फोन दो। अरे क्या है, बैठ वहाँ आराम से। कभी तुझे फोन चाहिए, कभी खाने को चाहिए, जब देखो तेरी डिमांड पूरी नहीं होती। बिगाड़ रखा है तेरी माँ ने तुझे। घर गृहस्थी का भार उठाना पड़ता है, शादी से पहले बताया नहीं किसी ने क्या? और हाँ, मैंने बिगाड़ रखा है। 4 दिन से कह रही हूँ राशन ले आओ, राशन ले आओ, एक काम तक तो होता नहीं आपसे। राशन के लिए पैसे लगते हैं। अरे अभी हाफ सैलरी भी मिलेगी कि नहीं इसका भी नहीं पता, और जो कुछ बचा था तुम्हारे घर के इधर उधर खर्चों में निकल गया, और जो पॉकेट में बचा था ये, हाँ ये जो तुम्हारा चांद का टुकड़ा है ना, इसे चाहिए कुरकुरे बिस्कुट चॉकलेट, कहाँ से लाऊं मैं? अब बच्चा भी चुपड़े लगा है तुम्हें। मैंने अपने मायके में कभी ऐसी किल्लत नहीं देखी थी, कम से कम राशन के लिए। गांव में सब कुछ था, रही तुम वहां पर, तुम्हें पड़ी थी शहर में आने की, चलो शहर में। मायके मायके मायके, 8 साल हो गए तुम्हारे मायके के गुणगान। मायका मायका मायका, तंग आ चुका हूं मैं। पता नहीं गांव में रखा क्या है तुम्हारा। तुम्हारे मायके में तो बहुत कुछ रखा है। सुनो। क्या है? सुनो, क्यों ना आप गांव चले। वैसे भी कौन सा आपको सैलरी मिल रही है, पैसे हैं नहीं जेब में, कम से कम गांव में राशन तो है, और यहाँ के उधार से भी बचेंगे। बात तो तुम पूजा ठीक कह रही हो, चलो करता हूं जुगाड़ मोमेंट पास का। बेटा आ, तुझे लोरी सुनाऊं? लोरी मतलब? आ मेरे पास, मैं बताती हूं। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं
बस तुझे देख कर। अम्मा एक कहानी सुनाओ ना। कहानी? सुन बेटा। एक बार एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उनका एक समझदार लड़का था। उसे अपने माँ के हाथ की खीर और बाबा के कंधों पर चढ़कर घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। उसके माँ बाबा ने उसकी शादी बहुत धूमधाम से की और उसके बाद अम्मा एक कहानी सुनाओ ना। बेटा कल सुनाऊंगी, लेकिन पहले एक वादा कर, ये चिप्स कुरकुरे नहीं खाओगे, फिर सुनाऊंगी। हाँ ठीक है, पक्का वादा। बेटा चलो, आपके सोने का समय हो गया है, आओ चलो। पापा ये बूढ़ी अम्मा कौन है? इन्होंने मुझे लोरी सुनाई। चलो तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने का समय हो गया है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, 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 चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। रोनित, चल मेरे घोड़े। रोनित इधर आओ। चलो कुछ खा लो पहले। मम्मी मुझे बाहर जाना है, चलो ना मम्मी पापा बाहर खेलने चलते हैं। बेटा अभी बाहर नहीं जा सकते, बाहर लॉकडाउन लगा है और बाहर जाना अलाउड नहीं है, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तुम ऐसा करो, तुम ये अपनी मनपसंद के चिप्स खाओ और बाहर जाने की जिद मत करो। फोन भी दो। फोन भी चाहिए तुझे? ये ले। बहुत गंदी आदतें डाल रखी है हमने इसकी। कहानी आगे सुनाओ अम्मा। पूरी कहानी सुनेगा? तो सुन, उसके बाद उसकी शादी हो गई, फिर वो रोज। ये जो हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये रोनित एक दिन गांव का गंवार बन जाएगा। गवार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन
जो काम इतने दिनों से नहीं हुआ वो दो दिन में होने लगा है। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब चिप्स और मोबाइल से है। हाँ, वो कहानी पूरी सुनाओ ना। क्या वो बेटा वापस आएगा अपने मम्मी पापा के पास? तू मुझसे पूरी कहानी सुनकर ही मानेगा, तो ले सुन। हाँ पूजा चले? हाँ चलो। चलो बेटा। मम्मी पापा आप दोनों जाओ, मैं यहीं रहूंगा बूढ़ी अम्मा के पास। क्यों? जब तक इनका बेटा वापस नहीं आ जाता तब तक मैं यहीं रहूंगा। नहीं बेटा, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कल तुम्हारे स्कूल शुरू होंगे तो तुम्हें स्कूल भी तो जाना होगा ना। नहीं मम्मी, बूढ़ी अम्मा अकेली बैठ कर रोती रहती है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लो बेटा ये कुछ राशन, लॉकडाउन में बेटे तुम्हारे काम आएगा। अरे ये गुल्लक, तुम्हारी शादी के बाद, तुम्हारे जाने के बाद ना, तेरी माँ और मैं इस तेरे बच्चे के लिए इस गुल्लक में आज तक पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। देख, इसे लेने से इनकार नहीं करता। ले बेटा ले, तू ले। हम इनकार क्यों करेंगे बाबूजी? ये तो आपका आशीर्वाद है। रोनित बेटा थैंक यू बोलो दादाजी को। अरे ये क्या? ओह शिट। बैठते, सोते जागते हमेशा भगवान से बच्चों की सलामती की दुआ मांगती थी। भगवान ने ना केवल बच्चों को सलामत रखा, मिलवा भी दिया। बावरी, हम सब जहाज के पंछी हैं, कितना भी उड़ ले, कितनी भी दूर चले जाए, लौट कर तो जहाज पर ही आना पड़ता है ना। एक अलग ही रौनक थी घर में। अब तक लगता है जैसे मेरा सब कुछ इस मिट्टी के करौंदे की तरह रह गया। गौरव की माँ हैरानी तो इस बात को लेकर होती है मन में। किस बात की? घर आने के बाद गौरव ने कभी ये नहीं पूछा कि बाबू कैसे हो। ऐसा लगता है जैसे कोई रिश्तेदार आया हो घर में और चला गया रह के। क्या वो ही मेरे दादा दादी थे? पापा क्या आप ही उनके बेटे हो? आप उनको छोड़कर क्यों चले गए थे बताओ पापा?
मम्मी आपको गांव क्यों अच्छा नहीं लगता? लो बेटा ये कुछ राशि है, लॉकडाउन में बेटी तुम्हारी काम आएगा। अरे गुल्लक, तुम्हारी शादी के बाद तेरी माँ और मैं इस तेरे बच्चे के लिए इस गुल्लक में आज तक पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लेने से इनकार नहीं करता। हाँ। पापा अगर मैं आप दोनों को छोड़कर चला जाऊं तो क्या होगा? अब तुम कहां चले गाड़ी से उतरकर? सच पूछे तो क्या हूं मैं आज, आधा अधूरा सा इंसान जो ना माँ बाप के लिए सुकून भरा साबित हुआ और ना बीवी बच्चे के लिए। सलीब पर टंगी एक मछली सा हूं मैं। गौरव की माँ चाय पियोगी? क्या हुआ बेटा, यहां कुछ छूट गया क्या? बहुत कुछ छूट गए हैं बाबूजी। कैसे हो? दादाजी मैं ठीक हूँ। आपको पता है पापा कल आपको लेने आ रहे हैं, अब आप हमारे साथ ही रहोगे। अब मैं रोज दादी से कहानी सुनूंगा, लोरी सुनूंगा। और दादू गांव से मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुल्लक लेकर आना। अरे बेटा मैं तेरे लिए बहुत ढेर सारी गुल्लक लाऊंगा, ढेर सारी। हाँ और दादी आप क्या लाओगे मेरे लिए? मैं तो बेटा खीर बना कर लाऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, या बस दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हो? ओफो दादू आप भूल गए, अभी तो स्कूल बंद है और मैंने मोबाइल भी छोड़ दिया है। चल ठीक किया बेटे, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मोबाइल कभी कभी यूज करते हैं, ऐसे नहीं हमेशा। ठीक है दादू बाय। ओके बेटा बाय बाय।